हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन में दे रखा है कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन रिपीटेडली अंटिल द आउटकम्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव टॉसेस आर सेम। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम टॉस रिजल्टिंग इन हेड इज 1/3, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विद हेड इज, है ना। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मतलब रिपीटेडली कॉइन को टॉस किया जा रहा है, ठीक है, और क्या कह रहा है, ऑफ टू कंसेक्यूटिव टॉसेस आर द सेम, मतलब कब तक किया जाएगा, जब तक उसके जो दो क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट हैं, जो दो आउटकम्स हैं वो सेम आने चाहिए, जैसे हेड हेड आना चाहिए या टेल टेल आना चाहिए, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन में कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम टॉस रिजल्टिंग इज हेड, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट स्टॉप विद हेड इज, है ना। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो हेड से स्टॉप हो, और यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम टॉस रिजल्टिंग इन हेड इज 1/3, ये दे रखा है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले देखिए दो तीन चीजें हमको पता होनी चाहिए, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद देखो ये बताना चाहिए कि अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होती है, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल होती है, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो वन बाई थ्री दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अगर आपको एक इनफाइनाइट जीपी दे रखी है, ए आर स्क्वायर, AR³ अप टू इनफाइनाइट तक दे रखा है, तो इसका जो सम होता है, सम ऑफ जीपी होता है, वो क्या होता है, ए अपॉन 1 - R होता है। तो ये भी हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो ये दो तीन चीजें आपको क्वेश्चन को शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल देखो यहाँ से क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो जाएगी 1 - 1/3, दैट इज 2/3। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ पे हम नोट कर लें, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो आपके पास कितनी है, 1/3 दे रखी है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है वो आपने क्या फाइंड कर ली, 2/3 फाइंड कर ली, ठीक है। अब हम देखिए पॉसिबल आउटकम्स लिखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है रिपीटेडली जो है कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं जब तक दो आउटकम सेम ना आ जाए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, स्टॉप्स विद हेड्स, ठीक है। तो अब इसका मतलब है हम ऐसे आउटकम्स लिखेंगे जिसमें लास्ट में दोनों में हेड आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले सपोज हमने जब दो बार कॉइन को टॉस किया तो हेड और हेड आया होगा, ठीक है, फिर मान लीजिए टेल आया होगा, फिर हेड और हेड आया होगा, ठीक है, फिर हेड आया होगा, फिर टेल आया होगा, फिर हेड और हेड आया होगा, ठीक, इसी तरह फिर टेल आया होगा, फिर हेड आया होगा, फिर टेल आया होगा, फिर हेड और हेड आया होगा, मतलब लास्ट में जो दो है ना, लास्ट में मिनिमम जो दो है वो हेड रहना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने देखिए फिर उसके बाद आपने जब फिर से कॉइन को टॉस किया तो आपका हेड आया होगा, टेल आया होगा, फिर हेड आया होगा, फिर टेल आया होगा, फिर दोनों बार हेड आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं। तो एक आउटकम इसका हम और लिख लें, दैट इज टेल हेड, टेल हेड, फिर टेल, फिर हेड, 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 फिर इसी तरह देखो बेटा आते चले जाएंगे इनफिनाइट तक। तो देखो सबसे पहला हमने ऑब्जर्व किया तो देखो दोनों बार हेड आया, फिर पहली बार हो सकता है टेल आया हो फिर दोनों बार हेड आ गया हो, फिर हमने टॉस किया हो पहली बार हेड आया हो फिर टेल आ गया हो फिर दोनों बार हेड आ गया हो, फिर हमने जब टॉस किया फिर टेल आया हो फिर हेड आ गया हो फिर टेल आ गया हो फिर दोनों बार हेड आ गया हो। देखो ये सब पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं ना ये सारे, जब हम बार बार कॉइन टॉस करेंगे, ठीक है। फिर देखो हेड आया होगा फिर टेल आया होगा फिर हेड आ गया होगा, तो उसके बाद फिर टेल आ गया होगा फिर दोनों बार हेड आ गया होगा, फिर टेल आया होगा फिर हेड आया होगा, फिर जो है टेल आया होगा फिर हेड आया होगा फिर टेल आ गया, तो फिर तीनों बार जो है उसमें हेड आ गया ना। तो इसी तरह देखो बेटा अगर 8 टाइम्स लिखोगे तो फिर एक और टेल बढ़ जाएगा। तो इसी तरह देखो सारी चीजें, अब जब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ऑब्जर्व आपने क्या किया कि देखो ये हेड से शुरू हो रहा है, ये हेड से शुरू हो रहा है, ये हेड से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके बाद और भी जो आउटकम्स होंगे हेड से शुरू होंगे, ये टेल से शुरू हो रहा है, ये भी टेल से शुरू हो रहा है, और ये भी टेल से शुरू हो रहा है, ठीक है। और भी आगे अगर आप देखोगे तो इसमें और भी जो होंगे आउटकम्स वो भी टेल से भी शुरू हो रहे होंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हेड वाले आउटकम्स को अलग ले लिया और टेल वाले आउटकम्स को हमने अलग ले लिया। तो ये सपोज हेड हेड आ गया, ठीक है, हेड टेल, हेड हेड आ गया, फिर हेड टेल, हेड हेड टेल हेड,
फिर टेल, हेड, और हेड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इनको अलग कर लिया, इसको आपने टेल, हेड, हेड, फिर टेल, हेड, टेल, हेड, हेड, फिर टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, 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 ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ये इसमें आगे और भी आउटकम्स आ सकते हैं, इसमें आगे और भी आउटकम्स आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये खाली इतने ही आउटकम्स नहीं है, मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर दूँ कि इसमें आप ये मत सोचना खाली ये तीन है और इधर भी तीन है, इसमें मैंने तीन तीन इसलिए निकाल लिए कि इसके बाद आपको पता चल जाएगा ना कि इसके आगे क्या आ सकता है, इसके आगे और भी आउटकम्स आ सकते हैं, इसके आगे और भी आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दे रखा है, कितना दे रखा है, 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, 2/3। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्रोबेबिलिटी हेड और टेल की दे रखी है वो हम इसमें पुट कर दें और सबको ऐड कर दें, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सबकी वैल्यूज यहाँ से पुट करेंगे, तो ये देखिए वन हेड है ना, 2 बार हेड लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 होल स्क्वायर, प्लस 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई है इंटू 1/3 इंटू 2/3 और फिर ये लास्ट पे 1/3 होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह ये आगे चलता चला जाएगा इनफिनाइट तक। और ये सेकेंड वाला जब आप देखोगे, प्लस सेकेंड वाली चीटी देख रहे हो, तो उसमें कितना है, 2/3 और ये 1/3 होल स्क्वायर, ठीक। प्लस 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 और ये क्या हो जाएगा, 1/3 होल स्क्वायर, प्लस 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये कहाँ तक बेटा जा रही है, ये भी अगर हम इसको देखें, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया हमने, इंटू 1/3 होल स्क्वायर, और ये कहाँ तक जाएगी, इनफिनाइट तक चली जाएगी जीपी। तो देखो अब आप यहां से ध्यान से देखो, ये एक जीपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये वाली सीरीज, और ये वाली सीरीज भी क्या बन रही है, जीपी बन रही है। तो इसमें देखो जीपी अगर ये बन रहा है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये वाली जीपी में, देखो ध्यान से अगर समझो, तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1/3 होल स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। और इसमें जो आपका कॉमन रेशियो है, जो कॉमन रेशियो आपका आ रहा है, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से, है ना, कॉमन रेशियो भी तो हमको फाइंड करना पड़ता है। कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो देखो यहाँ से कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, 2/9 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखें अगर ये वाली आप जीपी में देखो, दूसरी वाली जीपी में देखो, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट टर्म आ रहा है, फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, देखो 2 × 1² = 2 और 27, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/27, और कॉमन रेशियो देखो इसमें सेम रहेगा, कॉमन रेशियो भी इसमें वही रहेगा, डेट इज 2/9, ठीक है, ये कॉमन रेशियो रहेगा। तो अब देखिए दोनों में सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो एस इज इक्वल टू, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 - r, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/9 लिख सकते हैं, 1/9 अपॉन 1 - 2/9 प्लस इसमें देखो बेटा क्या है, 2/27 अपॉन 1 - 2/9, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 9 से 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपके पास देखो क्या बचेगा, 1/7 आ रहा है ना, प्लस यहाँ पे भी देखो 9 और ये 3 इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 7 टाइम्स में, 3 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये बचेगा 2/3 × 7 बच रहा है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 5/ कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो हेड से स्टॉप करेगा, हेड से जो एक्सपेरिमेंट स्टॉप करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, 5/21। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो 5/21 है, और आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है।